अच्छा बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी। हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में सेफ्टी को, सेकंड में हम डिस्क्राइब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी, थर्ड क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई करेंगे फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड इन एनवायरनमेंट, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हम करेंगे डिस्कस वेरियस वेज टू मिनिमाइज हैजर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर एनवायरनमेंट सेफ्टी, बेटा सिक्स क्वेश्चन में हम करेंगे आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट विच इंटरफेयर विद द पेशेंट सेफ्टी, सेवन क्वेश्चन बेटा एक्सप्लेन जनरल प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेफ एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ, बेटा फिर एट में हम क्या करेंगे यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा था डिफाइन सेफ्टी। सेफ्टी रेफर करते हैं कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल हार्म इंजरी और डेंजर। सेफ्टी कंडीशन है बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल हार्म इंजरी और डेंजर। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट और अडॉप्टिंग प्रैक्टिस डेट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इंजरीज और एक्सपोजर टू हार्मफुल कंडीशन। बेटा सेफ्टी से आपको साफ जाहिर होता है कि प्रोटेक्ट करना किस चीज से, पोटेंशियल हार्म इंजरी से, डेंजर से। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिफाइन सेफ्टी। सेकंड हम डिस्क्राइब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं सेफ्टी की? प्रोटेक्शन करना, प्रिवेंशन, अवेयरनेस एंड कंप्लायंस एंड कम्युनिकेशन, प्रिपेयर्डनेस। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी। प्रोटेक्शन में बेटा हम बात कर लेते हैं मेजर एंड प्रोटोकॉल आर इन द प्लेस टू गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल हैजर्ड। हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, प्रोटोकॉल आर इन द प्लेस टू गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल हैजर्ड से। ठीक है, हम मेजर करते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं किस लिए? अगेंस्ट पोटेंशियल हैजर्ड से। प्रिवेंशन में बेटा हम एक्टिव स्टेप लेते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंजरी, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, इंजरी ना हो, अवॉइड हो इन चीजों से। अवेयरनेस में बेटा नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस अबाउट पोटेंशियल रिस्क हाउ टू मेटिगेट देम। हम अवेयरनेस मैसेज देते हैं कॉन्शियस अबाउट पोटेंशियल रिस्क। ठीक है बेटा, कंप्लायंस में एडहेंस टू सेफ्टी रेगुलेशन स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिस। फिर कम्युनिकेशन में इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। हम कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। प्रिपेयर्डनेस में बीइंग रेडी रिस्पोंड टू इमरजेंसी और अनफॉरसीन डेंजर। हम प्रिपेयर रहते हैं बीइंग रेडी रिस्पोंड टू इमरजेंसी और अनफॉरसीन डेंजर। बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड इन द एनवायरनमेंट। फिजिकल हैजर्ड में क्या बेटा, स्लिपरी फ्लोर, पुअर लाइटनिंग, शार्प ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, नॉइज, एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह। माइक्रोबियल में बेटा क्या था, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट एंड अदर पैथोजेंस दैन कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीज। बेटा दो फिजिकल में क्या था, स्लिपरी फ्लोर, प्योर लाइटनिंग, शार्प ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, नॉइज, एक्सट्रीम टेम्परेचर। माइक्रोबियल में बेटा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट एंड अदर पैथोजेंस डेट कैन काज इन्फेक्शन एंड डिजीज। बेटा फिर हम बात कर लेते हैं डिस्कस वेरियस वेज टू मिनिमाइज हैजर्ड। हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हैजर्ड को, फिजिकल हैजर्ड इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइन। हम इंप्लीमेंट करेंगे सेफ्टी प्रोटोकॉल को और उसकी गाइडलाइन को। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज करेंगे। ठीक है, यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, मतलब ग्लव्स, मास्क, गाउन, ये क्या आता है बेटा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। कंडक्टिंग रेगुलर सेफ्टी ऑडिट एंड रिस्क असेसमेंट।
प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, हम प्रोवाइड करेंगे सेफ्टी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। माइक्रोबियल हैजर्ड को कैसे, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, सफाई का खास ख्याल, सैनिटेशन का, प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस वगैरह, यूज स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक, स्टरलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, इम्प्लीमेंटिंग इन्फेक्शन कंट्रोल मैयर, हम इन्फेक्शन कंट्रोल मैयर के मैयर को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, बेटा ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। डिस्कस करेंगे हम असेसमेंट फॉर इन्वायरमेंट सेफ्टी, हम असेसमेंट करेंगे इन्वायरमेंट सेफ्टी की। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले बेटा ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या करेंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे इन्वायरमेंट को, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड। फिर अब बेटा हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट, एवेल्युएट करेंगे लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट फॉर आइडेंटिफाइड हैजर्ड। ठीक है बेटा, फिर चेकलिस्ट एंड ऑर्डर यूजिंग स्टैंडर्डाइज टूल टू इंश्योर ऑल सेफ्टी एस्पेक्ट आर कवर्ड। इंसिडेंट रिपोर्ट करेंगे बेटा, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग एक्सीडेंट आर नियर मिसेस टू प्रिवेंट री अकरेंस। फीडबैक एंड रिव्यू, गैदरिंग इनपुट फ्रॉम स्टाफ एंड पेशेंट टू इम्प्रूव सेफ्टी मैयर करेंगे। बेटा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे माइक्रोबियल हैजर्ड एंड फिजिकल हैजर्ड इन हॉस्पिटल। फिजिकल हैजर्ड, कल्चर्ड हॉलवे, माल फंक्शनिंग मेडिकल इक्विपमेंट, इनएडुकेट लाइटिंग, बेड फ्लोर एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल। माइक्रोबियल हैजर्ड में क्या करेंगे, कॉन्टामिनेटेड सरफेस, इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ईयर बोन पैथोजन एंड इन्फेक्टेड पेशेंट। ये बेटा दो टाइप्स के, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना, किन किन चीजों को चेक करना है ये देखना। ठीक है, एक्सप्लेन जनरल प्रिवेंटिव मैयर फॉर सेफ इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ टीम मेंबर एंड पेशेंट। क्या क्या जनरल प्रिवेंटिव मैयर क्या होते हैं, फिजिकल सेफ्टी क्या करेंगे, इंश्योर क्लियर एंड कल्चर फ्री पाथवे, रेगुलेट मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे इक्विपमेंट के, एडुकेट ट्रेनिंग इन यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड इमरजेंसी प्रोसीजर, हम ट्रेनिंग देंगे यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड इमरजेंसी प्रोसीजर, प्रॉपर साइनेज एंड लेबलिंग ऑफ हैजर्ड, हम प्रॉपर साइनेज मतलब कोई भी चीज है उसको लेबल, जो हैजर्ड उनको लेबल करेंगे। माइक्रोबियल सेफ्टी में क्या होगा बेटा, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल को फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो करना बेटा, रेगुलर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, पेशेंट को टच करने से पहले और टच करने के बाद, ठीक है बेटा, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या प्रोसीजर करने के बाद हैंड वॉश करना, यूज ऑफ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स हो गए बेटा, गाउन हो गया या फेस मास्क हो गया, ये क्या होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेस एंड इक्विपमेंट, ठीक है बेटा, आइसोलेशन प्रोसीजर फॉर इन्फेक्शन इन्फेक्शियस पेशेंट, जैसे मैंने बताया था बेटा कि आइसोलेट कर देना, जैसे टीबी के पेशेंट हो गए और मरसा पॉजिटिव हो गया, ठीक है बेटा, जो इन्फेक्शियस है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारा एट क्वेश्चन है, यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन। अल्डरली पेशेंट रिस्क पे होते हैं, हाई रिस्क ऑफ फॉल ड्यू टू रिड्यूस मोबिलिटी एंड बैलेंस। बेटा अल्डर पेशेंट क्या होते हैं, हाई रिस्क होते हैं फॉल, गिरने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है। पेशेंट विद कोग्नेटिव इम्पेयरमेंट, बेटा जिनका कोग्नेटिव मेंटली जो इम्पेयरमेंट होते हैं, मे नॉट रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड हैजर्ड। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद पेशेंट विद मोबिलिटी इशू, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी इन नेविगेटिंग एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी, जिनमें मोबिलिटी इशू हो, चिल्ड्रन हो गया बेटा, प्रोन टू एक्सीडेंट ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चे होते हैं उनमें मसला, रिस्क पे होते हैं गिरने का। अमीनो कॉम्प्रेस इंडिविजुअल, जिनमें इम्यूनिटी
इम्यूनोकम्प्रेस इंडिविजुअल हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोबियल हैजर्ड, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोजर टू फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड ड्यू टू नेचर ऑफ दियर वर्क। ठीक है बेटा, ये 8 क्वेश्चन थे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस किया, हम दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं बेटा, इनको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिफाइन सेफ्टी, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी, आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड इन एनवायरनमेंट, डिस्कस वेरियस वेज टू मिनिमाइज हैजर्ड, डिस्कस द असेसमेंट फॉर एनवायरनमेंट सेफ्टी, आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट विच इंटरफेयर विद पेशेंट सेफ्टी, एक्सप्लेन जनरल प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेफ एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ टीम मेंबर एंड पेशेंट, यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन। बेटा डिफाइन सेफ्टी हमने कर दिया, फिर उसके बाद डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी कर दिया, जिसमें हमने प्रोटेक्शन प्रिवेंशन अवेयरनेस और कंप्लायंस और कम्युनिकेशन देन प्रिपेयर्डनेस। ठीक है बेटा, ये हमने किया। आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड इन एनवायरनमेंट किया। फिजिकल हैजर्ड में हमने स्लिपरी फ्लोर, पुअर लाइटिंग, शार्प ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ये फिर माइक्रोबियल में बैक्टीरिया फंजाई पैरासाइट एंड अदर पैथोजन। ठीक है बेटा, फिर हमने डिस्कस किया वेरियस वेज टू मिनिमाइज हैजर्ड, हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं हैजर्ड को। फिजिकल हैजर्ड किस तरह हम सेफ्टी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट फैसिलिटीज, यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात की थी बेटा, कंडक्टिंग रेगुलर सेफ्टी की बात की थी, ऑडिट एंड रिस्क असेसमेंट की, प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बात की थी बेटा। फिर हमने बात की है माइक्रोबियल हैजर्ड, माइक्रोबियल हैजर्ड में बेटा हमने मेंटेनिंग क्लीननेस सैनिटेशन, प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, फिर यूजिंग स्टरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक, इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की बात की थी बेटा, डिस्कस द असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया, रिस्क असेसमेंट किया, चेकलिस्ट एंड ऑडिट किया, इंसिडेंट रिपोर्टिंग की, फीडबैक एंड रिव्यू किया। ठीक है बेटा, फिर हमने आइडेंटिफाई एंड फिजिकल माइक्रोबियल हैजर्ड इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, हमने फिजिकल हैजर्ड और माइक्रोबियल हैजर्ड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है बेटा, फिर हमारा 7th क्वेश्चन था एक्सप्लेन जनरल प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेफ एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ टीम मेंबर एंड पेशेंट, हमने फिजिकल सेफ्टी डिस्कस की और माइक्रोबियल सेफ्टी डिस्कस की। फिजिकल में हमने इंश्योर किया क्लीन फ्री क्लीन कल्चर फ्री पाथवे, रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, प्रॉपर साइनेज एंड लेबलिंग वगैरह, ठीक है ट्रेनिंग वगैरह प्रोसीजर इमरजेंसी प्रोसीजर की हमने। फिर माइक्रोबियल में स्ट्रिक्ट एडरेंस टू इन्फेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करना, रेगुलर हैंड हाइजन, यूज ऑफ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड, प्रॉपर क्लीनिंग डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेस एंड इक्विपमेंट। बेटा लास्ट हमारा क्वेश्चन था यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन, हमने बात की थी एल्डरली पेशेंट, जो एल्डर पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो रिस्क पे होते हैं, किस रिस्क पे, रिस्क का फॉल ड्यू टू किसकी वजह से, इमोबिलिटी और बैलेंस की, रिड्यूस मोबिलिटी और बैलेंस की वजह से। हमने पेशेंट विद कोगनेटिव, जो कोगनेटिव इम्पेयरमेंट, वो रिस्क पे होते हैं बेटा। फिर हमने बात की पेशेंट विद मोबिलिटी इशू, वो पेशेंट जिनको मोबिलिटी इशू होता है, ठीक है। चिल्ड्रन की बात की थी प्रोन टू एक्सीडेंट, उनमें अवेयरनेस कम होती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। इम्यूनोसप्रेस इंडिविजुअल की बात की थी, वो रिस्क हाई रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रेस होती है। हेल्थ केयर वर्कर वो एक्सपोजर होते हैं फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड,